कांग्रेस के लोग यहाँ पर लूट भ्रष्टाचार पे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सांसद बनाकर भेजती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर भी जो सांसद बने होंगे तो उनका भी पैमाना यही रहा होगा। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट कर सके, जो जनता के हितों का रक्षा कर सके और जिन योजना की गारंटी माननीय मोदी जी ने दी है उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सके। कांग्रेस पार्टी पूरा लेन देन कर कर ही टिकट बांटती है, लेन देन कर कर ही पार्टी चलाती है और उसके कारण से कांग्रेस का हश्र ऐसा हुआ है। और जो स्थिति है उस स्थिति से अभी और बदतर स्थिति होगी जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। पार्टी के पूर्व मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि बस्तर में एक और छोटे नंगड़ में एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, आपके पास क्या जानकारी मिली? देखिए, अभी मुझे जो जानकारी मिली है जिसके तहत पे छोटे डंगर जो क्षेत्र है वहाँ पर कोमल सिंह मांझी हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके एक वारदात करके उनकी हत्या की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऑपरेशन सर्चिंग बढ़ना चाहिए और हमारे लोगों की सुरक्षा की चिंता हो इस बात की पहली कोशिश रहेगी। आप लोगों की कोई पुलिस के अफसरों से या किसी से इस संबंध में बातचीत हुई है? मेरी अभी एसपी से बात हो रही है, आईजी से मैंने बात की है और जो भी स्थिति है, जो भी इसमें मामला आता है उसकी पूरी जानकारी मैं लेकर के बताऊंगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, सरकार बनी नहीं है, बहुमत आप लोगों को मिल चुका है, कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति निर्मित हो गई है। कल बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया पीसीसी चीफ पर कि वो पैसा ली है और एक किसी नेता को हीरो बना रही है। आज जो वो है डॉक्टर जयविनय जायसवाल, उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्होंने किसी को पैसा दिया था, भारत में कांग्रेस प्रभारी चंदन यादव को, इस तरह की बातें सामने है, किस तरह से लेते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरा लेन देन कर कर ही टिकट बांटती है, लेन देन कर कर ही पार्टी चलाती है और उसके कारण से कांग्रेस का हश्र ऐसा हुआ है। और जो स्थिति है उस स्थिति से अभी और बदतर स्थिति होगी जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। अभी जो झारखंड में दीपक साहू जो राज्यसभा सदस्य, धीरेन्द्र साहू, उनका एक मामला सामने आया, करोड़ों रुपए उनके पास, 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए उनके पास मिले हैं। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें कहा कि राज्यसभा सदस्य कांग्रेस इसी तरह से बनाती, इसी तरह से भ्रष्ट लोगों को बनाती। यहाँ पे भी तीन तीन जो राज्यसभा सदस्य बनाए गए हैं वो भी बाहर के हैं, आप लोग इसको लेकर काफ़ी मुद्दा उठाए थे, तो क्या इसी तरह का कोई लिंक, ये धीरेन्द्र साहू का छत्तीसगढ़ से कोई लिंक है? और आपने एक सवाल जो खड़ा किया है कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य बनाने का माना है उस पर सवाल खड़ा किया, क्या कहना है? बिल्कुल, जो 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 दो दो बार चुनाव हार चुके हैं और तीन तीन बार उज्जैन राज्यसभा का सांसद बनाया जा रहा है और ऐसे माफिया तत्व को आज जो अरबों खरबों की संपत्ति जिसके पास में जो मशीन भी कहते हैं उससे खराब हो जा रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग यहाँ पर लूट भ्रष्टाचार पे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सांसद बनाकर भेजती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर भी जो सांसद बने होंगे तो उनका भी पैमाना यही रहा होगा। वो तो जो धीरेन्द्र साहू है वो झारखंड के हैं और झारखंड के मंत्री तो यहाँ पर कहते हैं शराब बेचने का प्रक्रिया सीखने आए थे, तो आप सोच लीजिए कि शराब माफिया के संबंध यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आप एक आदिवासी नेता हैं, बस्तर से बिलोंग करते हैं, आप किस तरह का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहते हैं? हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि जो फैसला है हाईकमान को लेना है, मगर आप किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट कर सके, जो जनता के हितों का रक्षा कर सके और जिन योजना की गारंटी माननीय मोदी जी ने दी है उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सके, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये दायित्व बने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ये सब कर सकता है। चलिए, तो ये थे केदार कश्यप जी और उन्होंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कर सके, जो मोदी की गारंटी की गई है उस गारंटी को जल्द से जल्द पूरा कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री वो चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से बात दोहराई कि ये फैसला हाईकमान को लेना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि दो लोकसभा चुनाव हार चुके धीरेन्द्र साहू जो झारखंड है उसको कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था और उनके पास से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मिली है, तो उन्होंने उनके जो राज्यसभा सदस्य चुनती है कांग्रेस उस पर कड़ा सवाल खड़ा किया है, एक सवाल खड़ा किया। और साथ ही साथ जो तीन बाहरी राज्यसभा सदस्य कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से चुन के भेजे थे उनकी प्रक्रिया पर भी सवाल यहां पर खड़ा किया है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सुझाव दें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाजत। नमस्कार।